नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 93 हो गई है। आज दिन भर कोरोना मरीजों को लेकर अपडेट आते रहे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज 4 बार कोरोना के मरीजों का अपडेट दिया है। अर्थात अगर बात रविवार के शाम 6 बजे तक की करें तो शाम 6 बजे तक 4 बार अपडेट दिए गए। पहला अपडेट आया जिसके तहत प्रधान सचिव ने बताया कि आज एक मरीज नालंदा के बिहार शरीफ से मिला, जिसकी उम्र 55 साल थी और वो एक पुरुष था और ये दुबई से लौटे उस कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था, जिसके बाद इसे भी कोरोना हुआ और इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके कुछ ही देर के बाद एक बार फिर से बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक बार फिर से अपडेट दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया, ये दिन भर का दूसरा अपडेट रहा जिसके तहत उन्होंने बताया कि 2 और कोरोना के मरीज मिले हैं और दोनों बक्सर से मिले हैं। जो इससे पहले बक्सर के मरीज मिले थे उनके कांटेक्ट में आने से इनको भी कोरोना हुआ और इन दोनों में से एक महिला थी जिसकी उम्र 28 साल और इसमें से एक पुरुष था जिसकी उम्र 30 साल थी। वहीं तीसरा अपडेट एक बार फिर से आया जो कि उसके कुछ देर के बाद, यानी कि अब बात करें तो शाम के लगभग 5 बजे तीसरा अपडेट आया कोरोना पॉजिटिव केसों को लेकर, जिसमें मुख्य सचिव ने बताया कि एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है जो कि नालंदा के बिहार शरीफ से ही मिला है और ये भी उसी जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हीं के संपर्क में आने से हुआ है और इसकी उम्र भी आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो तीसरा अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि 3 मरीज मिले हैं, इसमें से तीनों जो हैं वो पुरुष, यानी कि इसमें से 12 साल का एक बच्चा था और 18 साल और 22 साल के 3 जो हैं वो युवा थे। तो बिहार के जिस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ की बात करें तो आज सुबह से 4 मरीज मिल चुके हैं, वहीं 2 मरीज जो हैं वो बक्सर ज़िले से मिले हैं। और अब जो एक चौथा अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि भोजपुर से एक मरीज मिला है जो कि 25 साल का मेल है और उसके बारे में फिलहाल तमाम जानकारियां स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है कि उसके हिस्ट्री क्या है। अर्थात आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह से शाम के 6 बजे तक 7 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 93 हो गई है। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस से बिहार में मरने वालों का आंकड़ा 2 है जबकि इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा 42 है, लेकिन लगातार जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज दिन भर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी और आज टोटल कुल अब तक 7 मरीज मिल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको अगर ये खबर अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, इसे बनाए रखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।